स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। आपने मेरी पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से आपको वेरिएबल्स कोएफिशिएंट कांस्टेंट एक्सपोनेंट सब के बारे में बता दिया था। तो हम आज एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और हम जान लेंगे कि आज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री और उसके टर्म्स। तो यहाँ पे मैं सब आपके सामने डिस्कस कर दूंगा सो दैट आपको पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए यार, मुझे सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। इसी जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी थी, वो आप अगर अपने नहीं देखा है तो नीचे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वो देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, फिर उसके हम डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ ले लूंगा 9x² + 3x + 7, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब देखिए डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे हमको ये पॉलिनोमियल में कुछ डिग्री होगी। तो डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या है, डिग्री का मतलब यहाँ पे है पावर्स ऑफ द वेरिएबल। डिग्री यहाँ पे क्या होगा, डिग्री इज द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल भी मैंने आपको समझा दिया था लास्ट टाइम, वेरिएबल मतलब एक अननोन वैल्यू जो यहाँ पे हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, यहाँ पे है वेरिएबल x और यहाँ पे भी वेरिएबल है x। अब इसके आपको पावर्स देखने होंगे, क्या देखने होंगे आपको, इसके पावर्स देखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर है 2 और यहाँ पे ये वेरिएबल का पावर है 1। तो यहाँ पे हाइएस्ट पावर कौन सा हुआ, यहाँ पे हाइएस्ट पावर हुआ 2। मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 2। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे लूंगा 4x³ + 2x² + x + 9, तो ये एक आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि जो वेरिएबल हमें दिया गया है यहाँ पे x, उसका पावर क्या है। तो सबसे पहले देखिए 4x³ में पावर हो गया हमारा 3, 2x² में पावर हो गया हमारा 2 और यहाँ पे हमारा पावर है 1। तो ये सब पावर्स में से आपको देखना होगा हाईएस्ट पावर कौन सा है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए कौन सा है, डिग्री हमारी यहाँ पे होगी 3 जो के है हाईएस्ट पावर। आइए कुछ और चीजें आपके सामने रख देता हूँ जो के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लूंगा 3x² + 5x + 3। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, अभी मैंने कहा था आपसे कि वो एक हाईएस्ट पावर होगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ पे है x और यहाँ पे क्या होगा, ये जो कांस्टेंट हमारे पास है इसके साथ भी एक वेरिएबल जुड़ा होता है जो कि है 3x⁻¹। यहाँ पे x की यहाँ पे पावर कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि x⁻¹ जो होता है उसकी वैल्यू है 1। x⁻¹ की वैल्यू क्या होगी, x⁻¹ की वैल्यू होगी 1। तभी तो ये 3 से मल्टीप्लाई 1 होके भी वापस से 3 होगा। दैट इज वाई दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिनोमियल, ये आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं होगा। बट कॉन्स्टेंट के साथ हमेशा x⁻¹ हम लिख सकते हैं, तो आपको ये नई बात आज मालूम हो गई होगी। यहाँ पे x⁻¹ की वैल्यू कितनी होगी, x⁻¹ की वैल्यू होगी 1। तभी तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके वापस से 3 बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये है x², ये है x और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻¹। तो यहाँ पे तीनों में हाईएस्ट पावर किसका है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2। तो ये डिग्री क्या होगी ये पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। चलिए अब देखेंगे 0 की डिग्री क्या होगी। अगर आपको कहा गया 0 और कहा गया कि इसकी डिग्री क्या होगी, तब आप क्या कहेंगे, ये तो है एक नंबर 0, इसकी डिग्री अभी तक डिफाइन नहीं की गई है, इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो 0 की अभी तक डिग्री डिफाइन नहीं की गई है, बट हम इसे कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल। हम इसे क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है कि इस 0 को हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल, ना कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल एक अलग चीज है,
जो मैं आपको वीडियो में जरूर समझाऊंगा। तो याद रखिए, जब भी आपको जीरो दिया गया हो और आपको कहा गया हो उसकी डिग्री फाइंड करने के लिए, तो उसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी तक उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं की गई है। आइए अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री तो अभी अभी मैंने आपको समझा दी कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए उसके टाइप्स देख लेते हैं और उसके नेम्स और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला टाइप हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। तो अब जीरो पॉलिनोमियल के देखिए, जीरो पॉलिनोमियल का यहाँ पे डिग्री कितना होगा, जीरो पॉलिनोमियल का अभी मैंने आपको समझाया था कि डिग्री नॉट डिफाइन है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं की गई है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल खुद जीरो ही होगा। तो गौर से सुन लीजिए, जीरो पॉलिनोमियल एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं की गई और एग्जाम्पल सिर्फ एक होगा, दैट इज जीरो। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉलिनोमियल की तरफ। अगला पॉलिनोमियल हमारा होगा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको यह भी समझा दिया था अभी अभी कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है वो देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होगी जीरो। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जीरो। जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल्स बहुत सारे लिख दूंगा, 5, 7, 3। तो अब आपके दिल में जरूर डाउट आएगा कि इसकी डिग्री जीरो कैसा हो सकती है, ये तो एक नंबर है। तो मैंने आपको ये भी वीडियो के पहले ही पार्ट में समझा दिया था कि ये x जो है हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं x पावर जीरो से। ये हम कांस्टेंट x पावर जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये x पावर जीरो की वैल्यू कितनी है, x पावर जीरो इज इक्वल टू 1। x पावर जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 है। दैट इज हम ये x पावर के प्लेस पे, जीरो की प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। तभी तो ये 3 हो जाएगा। दैट इज every constant will can be written as 3 into x power 0. Every constant can be written as 3 into x power 0. So every constant will be called as constant polynomial. उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे constant polynomial. अब देख लेते हैं कि next हमारा polynomial क्या होगा। Next नाम हमारा होगा linear polynomial. क्या होगा next हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखिए, ये जो भी नाम हम यहां पढ़ रहे हैं वो बेस्ड ऑन डिग्री है, बेस्ड ऑन डिग्रीज है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। ये डिग्रीज जो है वो कहां होते हैं, वो वेरिएबल्स के ऊपर होते हैं। वो कहां होते हैं, वो वेरिएबल्स के ऊपर होते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्स प्लस 7 माइनस वाई 3x, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल्स है लीनियर पॉलिनोमियल के। क्यों, देखिए यहां पे इस x का पावर कितना होगा, 1 होगा। इस y का पावर कितना होगा, 1 होगा। और इस 3x का पावर कितना होगा, 1 होगा। तो जहां पे भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो होता है उसकी डिग्री 1 होती है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिनोमियल की तरफ। अगला पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी, डिग्री यहां पे होगी 2। तो यहां पे इसके एग्जांपल्स अब देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो यहां पे देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट डिग्री यहां पे है 2 की। क्यों, क्योंकि यहां पे x तो 1 हो जाएगा और 1 को हम x पावर 0 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो इसका पावर क्या होगा, 0। तो यहां पे हाईएस्ट पावर किसका है, यहां पे हाईएस्ट पावर है 2। तो यहां पे ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बेस्ड ऑन डिग्री चलिए बढ़ते हैं लास्ट पॉलिनोमियल की तरफ, जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूब नाम से ही आप सोच लिए होंगे कि क्यूब मतलब 3, क्यूब मतलब 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। चलिए मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। तो यहां पे देखिए
इस x का पावर होगा 1 और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये जो हमारे कांस्टेंट टर्म मिला है इसका पावर होगा 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसका है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो इसको क्या हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है, कितने टर्म्स हमें पॉलिनोमियल में दिए गए हैं उसके टाइप्स। तो उसको क्या नाम देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसका एग्जाम्पल और टर्म्स मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख के बता दूंगा। तो सबसे पहला वाला क्या होगा, यहाँ पे होगा सबसे पहला मोनोमियल। तो यहाँ पे मोनो का जो मतलब है वो है 1। तो यहाँ पे अगर एक ही टर्म हमें दिया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे मोनोमियल। तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म जो होता है उसे कहते हैं मोनोमियल। चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ 9x। तो यहाँ पे देखिए हमें कितने टर्म दिए गए हैं, सिर्फ एक ही टर्म दिया गया है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे मोनोमियल। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। तो अगले वाले को हम कहेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल। तो बाई का मतलब क्या है, बाई मतलब यहाँ पे है 2, मोनोमियल मतलब यहाँ पे मोनो का मतलब था 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे हमें 2 लिखना होगा। अगर आपको 2 टर्म्स दिए गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाइनोमियल। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हमें दिए गए हैं जो अलग कर रहा है यहाँ पे प्लस, एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म है, 1 एक अलग टर्म है। तो मैं यहाँ पे टर्म्स भी आपको लिख के बता दूंगा। यहाँ पे था सिर्फ एक ही टर्म था जो था 9x, यहाँ पे 2 टर्म्स है, पहला वाला टर्म है एक्स स्क्वायर कॉमा दूसरा वाला टर्म है 1। तो ये है आपके टर्म्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। बाइनोमियल के बाद वाला कहलाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये आपको आपको ट्राई से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने टर्म्स होने वाले हैं, यहाँ पे टर्म्स होने वाले हैं 3। अगर आपको 3 टर्म्स दिया गया है तो आप उसको नंबर ऑफ टर्म्स पे क्या नाम देंगे, उसको हम देंगे ट्राइनोमियल। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँगा एक्स क्यूब प्लस 2x² + 7। तो देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 1 प्लस आ गया, 2 प्लस आ गया, फिर है तीसरा वाला टर्म। तो मैं यहाँ पे पूरे टर्म्स अलग अलग करके लिख लेता हूँ। सबसे पहले है एक्स क्यूब, फिर आएगा कॉमा 2x², फिर आएगा कॉमा, फिर आएगा 7। तो इसके बाद भी एक होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल का मतलब क्या है, मल्टी का मतलब बहुत सारे, मल्टी का मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पे अगर मोर देन 3 होगा, मोर देन 3, मान लीजिए 3, 4, 5 टर्म्स दिए गए हों तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे मल्टीनोमियल। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूंगा 4x⁴ + 3x⁴ + 2x² + x + 1। तो यहाँ पे देखिए हमें कितने टर्म्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 3 से ज्यादा हो गए। तो चलिए हम यहाँ पे अलग अलग करके इसको लिख लेते हैं, 4x⁴ एक टर्म हो गया, 3x³ दूसरा वाला टर्म हो गया, 2x² थर्ड वाला टर्म हो गया, x एक टर्म हो गया, 1 एक टर्म हो गया। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। स्टूडेंट्स ये थी वीडियो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो यहाँ पे मैंने आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल समझा दिया और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स और डिग्री कितने होते हैं वो भी आपको मैंने क्लियरली समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो से फायदा हुआ है और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।